शुरुआत करते हैं। पहला आंकड़ा 1984 से हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई हैं, तो 2024 सीटों पर लड़े थे 1984 में, और देखिए दो सीटें आई। जल्दी जल्दी दिखा देते हैं शुरुआती वाले। 89 में 225 पर लड़े, 85 सीटें आई थी। उसके बाद 91 468 लड़े, 120 सीटें आई। 96 में 471 लड़े, 161 सीटें आई। बढ़ने का घटनाक्रम रहा है। 1999 में 182 सीटें आई, उसके बाद से 2004 में 138 सीटें आई। और आपको याद होगा 2004 में वो फील गुड वाला और तमाम जो कैंपेन था बीजेपी का, वो धराशायी हो गया था। यूपीए की फिर से सरकार बन गई थी। 2009 116, लेकिन उसके बाद मोदी की एंट्री होती है और 2014-2019 अपने दम पर बहुमत की सरकार पाने की स्थिति में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहुंच गई। 282 सीटें आई, और फिर जब 436 सीटों पर लड़े तो 303 सीटें आ गई 2019 में। यह बताता है कि नरेंद्र मोदी क्या मायने रखते हैं बीजेपी के लिए। और अगर कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो काफी हद तक पार्टी पर भी हावी हो चुका है, यानी 1 से 10 पर नेताओं की गिनती हो, उनकी लोकप्रियता पूरी पार्टी को बहुत बड़ा पुश देती है। अगले नंबर पर आते हैं। अब हम आपको वोट दिखा रहे करोड़ में। ये नंबर्स बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप देखेंगे कि शुरू में जब 84 से स्टार्ट किया, 1.8 करोड़, 1.80 करोड़, 3 करोड़, 40 लाख, उसके बाद 5 करोड़, 50 लाख, 6 करोड़, 80 लाख, 96 आते आते। लेकिन उसके बाद से दो बार अगर आप कह सकते हैं कि थोड़ा नंबर बढ़ा, 9.4 यानी 9 करोड़ 4 लाख, और वही 8 करोड़। उसके बाद से फिर थोड़ा धीरे धीरे नीचे ही की तरफ, 2009 पे 7.8 पर रुक गया, 7 करोड़ 80 लाख। उसके बाद नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है सीधा 7 करोड़ 8 लाख से 17 करोड़ 2 लाख पहुंचता है। और फिर 2019 आते आते देखिए 22 करोड़ 9 लाख लोग बीजेपी के लिए वोट करते हैं। मोदी का नाम फिर बनेगा क्या काम, ये जब हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2014 में जिसे हम मोदी लहर कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर लड़े, उसमें से क्योंकि गठबंधन में वो लड़े थे, 14 की बात हो रही है, और उसके बाद से उनको उसमें 49 का तो स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। बिहार में 16 पर लड़े और ये जो जीत थी 12 में, ये हम आपको 14 के आंकड़े दिखा रहे हैं। आगे आते आते अब परफॉर्मेंस 19 आते आते और भी बेहतर हो गया था। राजस्थान में 11-11, महाराष्ट्र 9-9, 2009 के मुकाबले वोट शेयर में 20% की बढ़ोतरी हुई थी जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं। अब हम सवाल ये पूछे, मतलब नंबर्स जो आपके सामने रख रहे हैं उसमें हम 2019 में बीजेपी का जो बंपर वोट शेयर रहा था, 7 सीटों पर 70% से ज्यादा वोट, ये वाला हो गया। अपना अगला डेटा दिखाइए। 2019 में बीजेपी का जो बंपर वोट शेयर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला विधानसभा के नंबर्स है जिसमें आप रफली देख सकते हैं कि हरियाणा में अगर 28 लाख हैं तो 21.7%, हिमाचल प्रदेश 8, 20, थोड़ा तेजी से दिखा दीजिए, ये तमाम राज्यों के आंकड़े हैं। उसके बाद जो अगला ग्राफिक्स है उस पर आते हैं, क्योंकि वो दिलचस्प है। मैप पर अगर आप देखेंगे 70% से ज्यादा जो वोट आए थे वो 7 सीटों पर आए थे। 60 से 70 वाले, ये 77 सीटें हैं, 60-70% संजय जी वोट्स आए 77 सीटों पर, 50% से ज्यादा वोट्स आए 224 सीटों पर। और इसीलिए देखिए जब आप गृहमंत्री अमित शाह से भी पूछते हैं दिल्ली में, वो कहते हैं 50% से ज्यादा हमारे थे, अगर वो मिल भी जाते हैं तो उनको लगता है कि हमें कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ 50% पर आपने देख लिया। अब 2019 में बीजेपी की जो टॉप 6 सीट थी उसमें आप देखिए कि सूरत 74.5%, नवसारी 74.4%, नवसारी सीट से ही सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। आप वडोदरा देखिए 72.3, कांगड़ा 72%, भीलवाड़ा 71, मुंबई नॉर्थ में देखिए तो फिर 71.4%, ये उनका हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं, अगर मोदी पीएम उम्मीदवार नहीं होते, ये सीएसडीएस के तरफ से सर्वे है जो हम बार बार संजय जी का नाम ले रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी को वोट नहीं देते, ये सवाल एक ओपिनियन पोल के जरिए, लोगों से बातचीत के जरिए है कि अगर मोदी पीएम उम्मीदवार नहीं होते तो क्या आप बीजेपी को वोट करते। लगभग 25% कह रहे हैं नहीं, हम वोट नहीं करते बीजेपी को। ये मतलब है नरेंद्र मोदी का बीजेपी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें वो है या नहीं है, ये कहने वाले भी 53.6% थे। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा, अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं।
केजरीवाल की गिरफ्तारी का कितना असर होगा अगर आपको मिले 6% स्विंग वोट अगर उनके पक्ष में चला जाता है। मुझे लगता है इस हिस्से के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, पहले प्रधानमंत्री पर जो डेटा हमने दिया है वो नंबर्स जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं, फिर लगभग 10 मिनट बाद ये नंबर्स आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में क्या बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, गदगद होने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी किस्मत, उसकी टैली, उसकी जो भारत के राजनीति में दबदबा है उसको बहुत बढ़ा दिया। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष ये भी है कि आपकी पार्टी पूरी तरह से पीएम पर ही निर्भर है। सिद्धार्थ जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आज फिर से आपके शो में रहने का मौका मिला है। बिल्कुल ठीक बात है, आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व, उनकी जैसा एक पॉलिटिकल स्टेचर, वो भारतीय राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को उस पर गर्व है। पर वो मोदी का फैक्टर ऐसे ही नहीं है। इतना डेटा जिसकी आप बात कर रही थी अंजना जी, वो मोदी का फैक्टर बहुत कारणों की वजह से है। आज देश के सामान्य व्यक्ति के मन में इस बात की एक आशा जगी है कि कोई भी कॉमन आदमी इस देश की डायनेस को ध्वस्त करके इस देश की सेवा के लिए शीर्ष पदों तक जा सकता है। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, जितने अनसॉल्व्ड इश्यूज थे हमारे देश में, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, इंसर्जेंसी हो, टेररिज्म हो, जो भी हो, उन सबको सॉल्व करके दिखाया है और इसीलिए मोदी का फैक्टर है। मैं तो याद करते हैं उन दिनों को भी देश में जब करप्शन के चंगुल में हम फंस चुके थे, आतंकवाद में हम फंस चुके थे, इतनी चारों ओर निराशा का माहौल था, उससे बाहर निकाल करके लाए, इसलिए मोदी का फैक्टर है। आज मोदी का फैक्टर है क्योंकि देश का नेतृत्व तो हार्डवर्किंग है। मोदी का फैक्टर है क्योंकि वो देश को परिवार मान करके काम करता है। मोदी का फैक्टर है क्योंकि विजन है। आज भारत 2047 में एक विकसित भारत की बात कर रहा है, 2027 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है, मैन ऑन मून की बात कर रहा है, स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है, ओलंपिक्स होस्ट कराने की बात कर रहा है। ये सब बातें कल्पना के परे थी, ये हम नहीं सोच सकते थे। आज अगर ये भारत फिर से आशावान होकर के, फिर से इन बातों को सोच सके और इनके लिए काम कर सकता है, यही मोदी का फैक्टर है, ये उनका नेतृत्व है। और मेरे जैसा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज गर्व महसूस करता है कि देश के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसको अपार समर्थन पूरी दुनिया में मिल रहा है। कोई कह रहा है मोदी इज द बॉस, कोई उनके पैर छूना चाहता है, कोई भारतीय सभ्यता को सीखना चाहता है, कोई संस्कार को सीखना चाहता है, कहीं युद्ध रुकवाने के लिए पूछा जा रहा है, कहीं ट्रेड हो रहा है, भारतीय रुपी में हो रहा है। किस कारण से हो पा रहा है? इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का फैक्टर है, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए गर्व। सापरा साहब, इसके बाद एक ही सवाल बनता है और वो ये कि इनके पास मोदी है, आपके पास क्या है? आप अभी एक लंबी लिस्ट मुझे पता है गिना देंगे, हमारे पास जनता है, हमारे पास ये है वो है, लेकिन लीडरशिप क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त नेतृत्व कौन कर रहा है, अगर हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो हमें पीएम कौन मिलेगा, ये एक वाजिब सवाल है। इसका क्या जवाब है आपके पास? अंजना जी, देखिए मैं आपके इस सवाल का जवाब देते हुए आपको 2004 याद दिलाना चाहूंगा, ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए जी, एको। 2004 के अंदर भी शाइनिंग इंडिया की कैंपेन बहुत बड़ी कैंपेन थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत बड़ा चेहरा थे और उस कैंपेन को भी इसी तरह से बीजेपी ने उठाया था। सारा मीडिया जो है वो केवल शाइनिंग इंडिया करके दिखा रहा था, लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो जनता चाहती थी। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी, हम 145 सीटें जीत करके आए, कुछ प्री पोल अलायंस हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए, उसी तरह का माहौल आज भी है। जिस मोदी फैक्टर की ये बात कर रहे हैं, वो मोदी फैक्टर ये है, झूठ का, जुमलों का मोदी फैक्टर है। और उसी मोदी फैक्टर के चलते हुए आज पेट्रोल जो है वो 100 रुपए पहुंच चुका है, डीजल जो है वो 95 रुपए तक पहुंच चुका है, इसी तरह से महंगाई जो है जीवन आवश्यक वस्तुओं की वो चरम पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी जो है वो आईएलओ ने भी कह दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बेरोजगारी बढ़ी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी थी, किसानों के जो औजार है उनके ऊपर जीएसटी लग गया है, यानी एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चप्पल पहनता ना, चप्पल से, हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक जीएसटी लग चुका है, हर चीज महंगी हो गई है। तो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, महिला अत्याचार, किसानों पर उत्पीड़न, ये तमाम सारी चीजें, और जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स
पूरे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर तो पूरा पर्दाफाश कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो एक संगठित लूट और कानूनी डाका था बीजेपी का, जिसके पास 8,650 करोड़ रुपए आए और वो सारा रिकॉर्ड भी आ गया है जो सभी पार्टियां कर रही थी, आपकी भी पार्टी कर रही थी, टीएमसी भी कर रही थी, बीआरएस भी कर रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें खुल करके आ गई। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार रुक जाइए क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे एक कमेंट ले लूँ उसके बाद से, क्योंकि शशि शेखर जी के पास भी जाना है, संजय जी के पास। संजीव झा जी, जो पॉइंट सापरा साहब मिस कर रहे हैं ना, वो पॉइंट ये है कि जिस 98 और 99 की वो बात कर रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी आपकी 182 सीटें ही बीजेपी ला पाई थी, लेकिन मोदी एरा में 282 303 सीटें आ रही हैं, एक चेहरे पर, उनके नेतृत्व पर, उनकी लोकप्रियता पर। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। और केजरीवाल जी तो गए थे ना सर, बनारस में गए थे लड़ने के लिए, मुंह की खानी पड़ी। तो ये एक एक ट्रेंड है, और इस ट्रेंड में एक प्रबल लीडरशिप, आपको सामने से क्रेडिबल चेहरा दिखाना पड़ेगा। संजीव जी देखिए, मुझे लगता है कि झूठ की बुनियादी का जो महल होता है वो बहुत लंबा नहीं टिकता। महल देखने में आकर्षक जरूर लगता है लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है। 10 साल में देश की जनता ने देखा है कि किस किस तरह की बातें मोदी जी कहे और क्या हुआ। एक बात बताइए, आज के भी भाषण में और लगातार प्रधानमंत्री दो बातें कहते हैं, भ्रष्टाचार पर बहुत मुकर होकर बात करते हैं और परिवारवाद पर बातें करते हैं। अब जब भ्रष्टाचार की ही बातें हैं तो हम तो ये बैनर लेकर उनको पूछ रहे हैं ना कि भाई ये शरद चंद्र रेड्डी से आपने 60 करोड़ रुपया क्यों लिया, चूंकि वो तो करप्शन का किंग पिन आप कहते थे। तो चंदा लेते समय आपने जिसको करप्शन का किंग पिन कहा, शरद चंद्र रेड्डी, उससे आपने 60 करोड़ रुपए ले लिए। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसका टर्नओवर से ज्यादा चंदा दे दिया है, प्रॉफिट का 10 गुना 20 गुना या 100 गुना ज्यादा चंदा दे दिया है। तो अब समझिए कि भ्रष्टाचार पर अगर मुखरता से बात करते हैं तो इलेक्ट्रोल बोर्ड ने आपका पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये इलेक्ट्रोल बोर्ड नहीं आता तो देश को पता नहीं चलता कि जिस भ्रष्टाचार, दिल्ली में कहते थे कि शराब घोटाला हुआ, वो शराब घोटाला का तो तार बीजेपी से चुरा था। तो ये तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया देश की जनता को सामने। आप जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए संजीव जी। ये सवाल आपने, ये सवाल शरद रेड्डी वाला सुनिए ना झा जी, ये सवाल शरद रेड्डी वाला आपने केसीआर से पूछा, जिनको आप दिल्ली के सरकारी स्कूल घुमा के दिखा रहे थे, वो आपकी बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि 66% अगर बीजेपी को दिया है तो बहुत मोटी रकम तो बीआरएस ने भी लिया है, जो बहुत सर्टिफिकेट दे रहे थे आप लोगों को कि बहुत गजब की सरकार चल रही है, उनके लिए भी एक प्लेकार्ड उठा लीजिए। गजब बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये बात तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही थी। और शराब घोटाला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ना कि पी सचिन रेड्डी 100 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिया, और आज उसी पी सचिन रेड्डी से आपने 60 करोड़ रुपया, आप कहते हैं शराब, सवाल बी से पूछिए, एक के बदले दोनों से पूछिए। सवाल तो प्रधानमंत्री से बनता है ना, प्रधानमंत्री बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बातें करते हैं। नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए ना, परिवारवाद पर बातें करते हैं। एक बात बताइए, कल वो बिहार की रैली में थे और चिराग पासवान जी के यहाँ रैली कर रहे थे, तो भाई परिवार बात इतना ही बुरा था तो आप एनाइस नहीं करते ना। किसकी पार्टी है ये चिराग जी की पार्टी? परिवार बात का क्या ये संकेत उन है कि सिंबल है कि नहीं है? ठीक भाई, आप यूपी में रैली कर रहे हैं, अपना दल किसका प्रोडक्ट है बताइए ना आप। तो आप अगर परिवार बात की बात तो बाहर करते हैं, आप परिवार बात समेटते हैं, परिवार भ्रष्टाचार के छोड़ूंगा नहीं। तो हम अब देश को यह लगता है जब कहते हैं भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, मतलब हम अपने में जोड़ लूंगा, बाहर नहीं रखूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी हो गई है भ्रष्टाचार चोरों पार्टी, क्योंकि जितने भी नेता, चाहे वो अजीत पवार रहे हों, चाहे शिवेंदु अधिकारी रहे हों, आपको नामों का सिलसिला तो अब लोगों को याद हो गया है। ये सब लोग जिनको प्रधानमंत्री कहते थे भ्रष्टाचार होगा, जिसे जिनके नेता कहते चक्की पीसेंगे जेल में, वो भारतीय जनता पार्टी में आज है। ठीक है, तो मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ आप दोनों से। अब मेरा सवाल है शशि शेखर जी, आपके साथ शुरू करते हुए, ये 182 पीक में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व था 182 सीटें आती थी, और अब प्रधानमंत्री के साथ 282 303 नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, ऐसे में ये क्या कहता है, कितना बड़ा चैलेंज है? और अगर 25-30 लोग ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी शीर्ष पर नहीं होते, लीडर नहीं होते, तो हम वोट नहीं करते बीजेपी के लिए, ये क्या कह रहा है?
देखिए, मैं सिर्फ आपके आंकड़ों पे टिप्पणी करूंगा, मैं अभी बहुत सी बातें और हुई उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये आंकड़े तीन चार बातें कहते हैं। पहली बात ये कि अटल जी वाकई एक चमत्कारी नेता थे, बड़े गजब थे, लेकिन अटल जी की प्रतिभा का लोहा उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ा था जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात में 13 साल दिखा चुके थे। मुझे खुद याद है इसी चैनल पर लाइव हम लोग दिखाते थे कि कैसे गुजरात में भूकंप आया, और साल भर बाद की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चैनल पर लाइव, मुझे बिल्कुल उसके एक एक हरफ एक एक चीज याद है कि कैसे कच्छ में परिवर्तन हुआ था। तो एक 13 साल की हिस्ट्री लेके नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो हिस्ट्री थी वो थी एक विपक्ष के बड़े नेता की, एक स्टेट्समैन की, ये काम करने वाले मुख्यमंत्री की स्ट्रेटजी थी, छवि थी, जिसमें वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे। अब दूसरी बात, पिछले 2019 से मैं उन्होंने 2014 से ज्यादा सीटें जीती। क्यों जीती? क्यों? कहीं ना कहीं वो ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे मतदाता को कि देश सही रास्ते पर चल रहा है और मेरा साथ दीजिए। आज आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, हर बात में मोदी की गारंटी।